आज हम बनाएंगे देहाती अंडा कड़ी, जो ये बहुत टेस्टी बनता है मेरे तरीके से। इस तरह आप भी बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी लगता है, छोटे बड़े को सभी को पसंद आता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कुकर में 4 बड़े चम्मच तेल डाल दी हूँ, तेल गर्म हो गया है। अब तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम 5 उबले हुए अंडा डाल देते हैं। अंडे में मैं चीरा लगा ली हूँ, तो अंडे को दोस्तों अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए अंडा अच्छे से हो गया है फ्राई, इसे हम निकाल लेते हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ, उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी तेल में एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, प्याज को अच्छे से लाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हरे मिर्च, लहसुन और एक प्याज का मैं दरदरा पिसे हुए पेस्ट डाल देती हूँ। मीडियम साइज़ का एक प्याज ले ली थी, साथ हरे मिर्च, 10 से 12 लहसुन का कलिया इसे मैं दरदरा पीस ली हूँ। ये पेस्ट भी हम तेल में डाल देते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाला डालेंगे, उसी चम्मच से 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 2 कटे हुए टमाटर डाल के मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, तो मसाला दोस्तों तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ अंडा डाल देते हैं। ग्रेवी के लिए पानी बढ़ा देते हैं, 2 गिलास इसमें मैं पानी डाल दी हूँ। इसे अच्छे से चला देते हैं, इसको हम ढक देते हैं, ढककर 2 मिनट तक के इसे हम पकाएंगे। ये देखिए ये 2 मिनट हो गया है। तो देखिए दोस्तों अंडा कड़ी बनकर हो गया है तैयार, ये बहुत टेस्टी बनता है, तो इस तरह आप भी बनाकर खाएं। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे रोटी पराठा चावल के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय दोस्तों।